दो दो कोरोना, तीन तीन कोरोना लहर झेल के जिंदा हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितने हमारे साथी चले गए जो आज हमारे बीच में नहीं है। आपने देखा होगा जब दूसरी और तीसरी लहर थी तो किस तरीके से डेली चिताएं जलती थी, लोग हर एक ने कम से कम कोई अपना सगा संबंधी जरूर खोया होगा। इस तरह का बुरा हालत थी कोरोना में, पूरी सड़क सूनी नजर आती थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, रिश्तेदार अंतिम क्रिया में शामिल नहीं होने आते थे, अनजान लोग अंतिम क्रिया करते थे, इस तरह का माहौल था। तो आज हम लोग इन तीन तीन लहरों के बाद जिंदा हैं और अच्छा स्वास्थ्य है, एक दूसरे से मिलकर बात कर रहे हैं, दूर दराज से आके एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं, इससे बढ़ के और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो मैं ये कामना करता हूँ कि अपने जितने भी CAPF के रिटायर्ड कार्मिक हैं, सब अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, मेलजोल बढ़ाएं, व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे से मिलकर हालचाल पूछते रहें, और जब भी कोई किसी के ऊपर कोई इस प्रकार की आपत्ति आती है, कोई घटना घटती है जहाँ एक दूसरे की मदद की जरूरत है, वो हम मदद एक दूसरे की करें। जैसे कि दहिया साहब ने तीन चार पॉइंट जो थे वो बताए, उसमें जो एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, अभी हाल ही में उनके लिए कोर्ट ने फैसला दिया है कि उनको एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी से दिया जाएगा, और उसमें हम भी शामिल है क्योंकि मैं 30 जून को रिटायर हुआ, तो मुझे 1 जुलाई से एक इंक्रीमेंट, जब से रिटायर हुआ 2013 से आज तक का एरियर मिलेगा। हम लोग ये कोर्ट में केस भी लड़ रहे थे, वो केस हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के हैं, SLP भी अभी वो डिसमिस हो गई है, तो ये भी एक उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जो ये पेंशन वाली बात थी कि 65 साल, 70 साल, 75 साल और 80 साल 5% बढ़ाई जाए, ये जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी का पॉइंट था और सरकार के संज्ञान में है। सारे डिपार्टमेंट इसमें डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, उस पर कितना बजट का बोझ पड़ेगा, तो ये भी जल्दी हो जाएगा, कुछ समय की बात है, लेकिन ये लागू हो जाएगा जो 65, 70 और 75 और 80 साल वाला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मैं चीज़ देख रहा हूँ, जो भी हमारी यूनिट है, अभी मैं कुछ दिन पहले DG CRPF से मिलने गया, मिस्टर SL 1000 नए DG आए हैं जो एक साल के लिए हैं, 30 नवंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे, बहुत अच्छे वर्कर हैं, विलिंग वर्कर हैं, IPS है 1988 बैच के, और जो भी मैंने उनके पॉइंट रखे, जो भी आप लोगों के पॉइंट आते, एक एक पॉइंट में लिख के उनको लिखित में दे के आया, और सब पॉइंट पे वो राजी हो गए कि ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो तुरंत होना चाहिए। मैंने कहा कि आर्मी के शहीदों का मेट्रो स्टेशन पे फोटो गैलरी लगती है, तो हमारे CAPF के तो इतने लोग बलिदान देते हैं, उनकी भी सिलेक्ट स्टेशनों पे गैलरी लगनी चाहिए, तो उसको MD के साथ टेकअप कर रहे हैं, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD हैं उनके साथ टेकअप करके वो होगा। तो जितना भी आपकी कल्पनाओं में कोई बातें आती हैं, सोलर और लेटर, वो सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। सरकार के पास ना बजट की कमी है, ना विल पावर की कमी है, सिर्फ ये है कि वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि लोगों को फुर्सत ही नहीं है। हम जैसे होम सेक्रेटरी से मिले, अब दोबारा मिलेंगे, फिर वैसे ही कहेंगे कि हाँ बताओ क्या पॉइंट है, पर वो सिस्टम ऐसा है। हमने कहा कि हमारा मंत्रालय अलग होना चाहिए आंतरिक सुरक्षा का, गृह मंत्रालय पे इतने डिपार्टमेंट है और इतने व्यस्त रहते हैं, पूरे भारत में जो घटनाएं घट जाती है उसी से फुर्सत नहीं। जब हम लोग नौकरी में थे, सीढ़ी चढ़ चढ़ते हमें काम मिल जाता था, और रात को कितने बजे तक काम, अगले दिन फिर टेंशन रहता था, ये काम उधर रह गया, ये रह गया, वर्कलोड इस तरह का, पेपर वर्क ऐसा है कि उस सिस्टम से लोग बाहर नहीं निकल पाते। और जहाँ तक IPS और कैडर अफसर की बात है, IPS में बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, कैडर में भी बहुत अच्छे अफसर हैं, हेल्पफुल हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा हमें फ़र्क करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सारे IPS के विजय कुमार साहब के साथ रहा हूँ, विक्रम श्रीवास्तव साहब के साथ रहा हूँ, और अभी जैसे 1000 साहब से मिल के आया रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे उनकी विलिंगनेस में और उनके किसी भी प्रकार के उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है, ना वो इस तरह का कोई भेदभाव रखते हैं कि IPS है, नॉन IPS है। रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उन्होंने भी रिटायर होना है, जो अंतिम अंत्येष्टि के ऊपर आपको सम्मान मिल रहा है, रीत लग रही है, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, उसको अभी मुझे पता लगा कि आसाम राइफल 12,000 रुपये देती है आर्थिक सहायता के रूप में जब किसी की अंत्येष्टि होती है, तो मैंने उनको कहा कि आप भी 12,000 कर दो, सभी फोर्सेज एक जैसा कर दो, तो भी एक जैसा हो जाएगा। उन्होंने DG BSF को बताया, जो भी एक महीने में रिटायर हो जाएंगे, फिर दूसरे आदमी आएंगे, तो हमें कोशिश रखनी चाहिए, जो भी ये छोटे छोटे मुद्दे हैं और जो भी विभाग या राज्य सरकार इस पर निर्णय कर रही है, उनको लगातार जहाँ भी मौका मिलता है उनको ताज़ा करते रहें, और अपना भी विवरण जो भी नज़दीकी यूनिट है
उसमें अपने कंट्रोल रूम में नोट करा दें कि ये मेरा नाम है, ये मेरा टेलीफोन नंबर, ये मेरा पता है, जिससे जब भी कोई इस प्रकार की घटना हो तो वो एक रजिस्टर अपडेट रहे। अभी हमारे सीआरपीएफ में उन्होंने आर्मी की तरह से एक वेटरन सेल खोल दिया। हमने उनसे कहा था साहब किसको कॉल करें कि कंट्रोल रूम, हमें कंट्रोल रूम किस किस को याद करेगा, कंट्रोल रूम में तो 1000 फोन आते हैं दिन भर में। तो रिटायर्ड लोगों की एक अलग सेल करके एक अलग स्टाफ नियुक्त कर दिया, तो रजिस्टर रख दिया उन्होंने वेटरन सेल। तो जो भी वेटरन कॉल करे, सब मैं वेटरन फलानी जगह से बोल रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, कभी भी कोई घटना होती है तो वो एकदम एक दूसरे के संपर्क में रहे। तो ये जो डाटा है, जो आंकड़े हैं रिटायर्ड लोगों के, इसको अपडेट करना हमारी अपनी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो भी आपके नज़दीकी यूनिट है उसको वहाँ पे जाके नोट करा दें, टेलीफोन से या व्यक्तिगत रूप से, तो उससे आपको कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अच्छा, जो लिकर का सवाल था, अभी मुझे बेंगलोर से फोन आया 2-3 लोगों का, CISF वालों का, कि साहब हमें लिकर कोटा अचानक बंद कर दिया। उसी टाइम मैंने डायरेक्टरेट में बात किया, फिर उन्होंने जो DIG वेलफेयर से उनसे बात करके बेंगलोर फोन कराया, और उन्होंने कहा कि जब तक ये CLMS सिस्टम लागू नहीं हो जाता तब तक हम उनको लिकर देते रहेंगे, क्योंकि लिकर की भी कई जगह कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। कई बार जैसे जोशीमठ वगैरह में या उत्तराखंड में दिक्कत आई थी कि ITBP के लोग थे, वो कह रहे हैं हम तो ITBP के लिए ही प्रोक्योर कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दे रहे थे। लेकिन कोशिश करने से धीरे धीरे जब लोग समझते हैं कि पूरी CAPF अब एक अम्ब्रेला के नीचे है, अब वो बात नहीं है कि ITBP, CRP, BSF, बल्कि वो दिन दूर नहीं जबकि सारे CAPF का CDS की तरह से एक ही हेड हो जाएगा। अब जो गवर्नमेंट जिस दिशा में जा रही है, मैं जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे आर्मी का अपनी भी व्यवस्था कर दी है तो 4 साल के बाद नौकरी करेंगे, इसके बाद पेंशन नहीं, तो एक तरह से आर्मी की भी पेंशन खत्म। हालांकि हम लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, पर जिस तरीके से सरकार का पॉलिसी चल रही है, मुझे लग रहा है कि ये जो पेंशन का मुद्दा है वो शायद सिर नहीं चढ़ने वाला है। और हमें तो ये दुआ बनानी चाहिए कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं, सरकार हमें कितनी सुविधा रिटायरमेंट के बाद दे रही है, और इसीलिए चूंकि हमें सरकार दे रही है तो हम उस पैसे को अपने CAPF के कल्याण में खर्च कर रहे हैं खुश होकर। कल ही मेरी अजय भट्ट जी से मुलाकात हुई, जो रक्षा राज्य मिनिस्टर है, अचानक ही पता नहीं कैसे उनका फोन आ गया, हमें पता ही नहीं था कि मिनिस्टर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने कहा लंच पे आ जाओ, बोले नहीं आप घर पे आ जाओ। जब घर गए तो हम जानते नहीं, पहली बार उनको देखा, तो वो एकदम गेट से उतरते सीधे आगे ले गए। मैं समझा कौन आदमी है, कैसे मंत्री जी तो नहीं है, फिर वो मंत्री जी की कुर्सी पे बैठ गए, तब पता नहीं तो खुद ही मंत्री जी हैं। तब फिर हमने उनसे बातचीत की, मैं पता नहीं कैसे, मगर हम तो आपसे मिलने काठगोदाम जा रहे थे, वो मुख्य अतिथि थे, कल मैं काठगोदाम जा रहा हूँ, 9 तारीख को मीटिंग है, तो मगर आज देखो भगवान ने आपसे ही मुलाकात कर दी। तो उनके पास हमारी उत्तराखंड राज्य की जो राज्य सैनिक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की फाइल उनके पास है। हमारे जितने भी मोटे मोटे कल्याणकारी मुद्दे हैं वो सब घूम फिर के डिविजनल कमिश्नर को जाते हैं, वो उसको रेवेन्यू को भेज देते हैं, रेवेन्यू वाले उसको सैनिक कल्याण बोर्ड को रेफर कर देते हैं, और सैनिक कल्याण बोर्ड उस पर नेगेटिव नोट बना के फिर वापस कर देते हैं। 2-3 राज्यों में इस तरह का हो चुका। अभी हमारे नारनौल में हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री से 2.5 घंटे मीटिंग चली, और उन्होंने कहा कि आप तारीख मुकर्रर कर लो, 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप अपना डाटा ले आओ कि इतने हमारे लोग हैं, और जो भी आप कहोगे सारी चीज आपकी चीफ सेक्रेटरी के साथ नहीं को बुला के हाथों हाथ ऑर्डर कर देते। तो उसके बाद उन्होंने फिर 17 नवंबर डेट मीटिंग फिक्स की, अचानक फिर मंत्री जी कहीं चले गए, फिर वो भी पोस्टपोन कि हमारा टिकट का पैसा भी बेकार गया जो रिजर्वेशन कराया हुआ था। पर ये किस तरह की परंपरा है, मतलब इस तरह की प्रक्रिया है कि उसमें समय लगता है, और ये नहीं कि कोई जानबूझ के कर रहा है, हमें भी लगातार कोशिश करते जाना है, हमें जो सिस्टम को समझना है, बार बार जब हम कोशिश करेंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि ये जो मुद्दे 4-5 मुद्दे जो आज हल हो चुके हैं, जो बाकी लंबित मुद्दे हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें निराशा या ये सोचे कि उनको फुर्सत नहीं है, उनका नेगेटिव लुक, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मदद करना चाहते हैं, और मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी हम जहाँ भी जाते हैं सब लोग अब CAPF को रिकॉग्नाइज करते हैं, समाज भी और सरकार भी। ऐसा नहीं है कि वो, और हमें तुलना करने की जरूरत नहीं कि साहब डिफेंस वाले को ये मिल रहा है, उसको 50,000, जो उनको मिल रहा है उससे ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये सब समाज भी जानता है, सरकार भी जानती है कि जितनी ड्यूटी CAPF वाले कर रहे हैं, ITBP, CRPF, BSF, आसाम राइफल, ये बहुत कठिन ड्यूटी है, और हमारे लिए तो रात दिन ही वार सिचुएशन है, हमारे लिए तो हमेशा ही युद्ध की सिचुएशन है। तो इसलिए कभी भी आप अपने को ये महसूस मत करो कि आप किसी तरह से तुलना में बाकी लोगों से कम हैं।
आपकी देशभक्ति और आपका जज्बा, आपका त्याग और आपकी लंबी सेवा, उसको हम भी समझते हैं, हमने बहुत नजदीकी से देखा है, सरकार भी समझती है और समाज भी समझता है। इसलिए जो भी रिटायर्ड लोग हैं समाज में आज उनकी विशेष इज्जत है। मैं तो कई जगह देखता हूँ, जो पहले बात होती थी, पहले कोई पहचानता नहीं, अभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटी सब समझते हैं। अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के 10 अक्टूबर से, तो 200 लड़कों का हमने इंटरव्यू लिया, फिर वो कोर्ट से स्टे हो गया तो इंटरव्यू बंद हो गया नवंबर के बाद। उसमें मैट्रिकुलेशन में 10 में 10 सीजीपीए, 12th में 95% एंड अबो, ग्रेजुएशन में 95% एंड अबो, पोस्ट ग्रेजुएशन में 95% एंड अबो, बी टेक एम